तो बीएसपी को भरोसा है जीत का, वहीं समाजवादी पार्टी को भी विश्वास है कि दोनों राज्यसभा सीटों पर उसकी जीत होगी। उनसे बात की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता ने एसपी नेता सुनील सिंह साजन से। राज्यसभा की वोटिंग के लिए सपा नेता सुनील सिंह साजन जी आ चुके हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कौन किसकी जीत होगी? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती जया बच्चन और बीएसपी प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर दोनों लोग चुनाव जीतेंगे। हालांकि सरकार का चेहरा सामने आ गया कि वो कितने बड़े बेईमान, कितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तोड़फोड़ की है, तो कहीं न कहीं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मर्यादा को लांघा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शाम तक इंतजार करें, उनका जो गणित है वो शाम को फेल नजर आएगा और जो हम लोगों का गणित है वो पास होगा, हमारे दोनों जीतेंगे। बिल्कुल, बसपा के कुछ विधायक और सपा के भी कुछ विधायक भाजपा खेमे में जाने की ऐसी बातचीत आ रही है, कोई कहां जा रहा है सवाल ये नहीं है, वोट कौन कहां दे रहा सवाल ये है। दो लोग को वोटिंग देने से मना कर दिया गया, मुख्तार अंसारी और डॉक्टर हरिओम को, इसके बारे में क्या कहें? एक तो माननीय न्यायालय ने रोका है, लेकिन एक को सरकार ने रोका है। अगर सरकार डरी नहीं होती, सरकार कमजोर नहीं होती, तो क्यों आखिर हमारे एमएलए को डीएम ने इजाजत नहीं दी? तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से खेल रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र से खेलने वाले लोग बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहेंगे। सारी केंद्र बिंदु इस वक्त राजा भैया और विनोद सरोज पे डिपेंड कर रही है, क्या लगता है? क्योंकि राजा भैया और विनोद सरोज दोनों ने ऐलान कर दिया है कि वो बसपा खेमे में नहीं जाएंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजा भैया ने एक बड़ी बात कही थी आप लोगों के मीडिया के सामने परसों कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ था, हूं और रहूंगा। इसके बावजूद भी अगर कहां से सवाल आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि उनकी दोनों सीटें निकलेंगी, जया बच्चन भी निकलेंगी और जो उन्होंने बसपा को समर्थन दिया है वो भी सीटें निकलेंगी। अब तो देखना ये होगा कि शाम को 4 बजे किसके पाले में कौन जीतता है, कौन आखिर में हारता है, ये शाम को 4 बजे ही क्लियर हो पाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ तुषार श्रीवास्तव, न्यूज़ ऑल इंडिया, लखनऊ।